हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से आपने रिलेशन ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। आज आपको फंक्शन के बारे में मानी फलन के बारे में अच्छे से समझ लेना है और साथ ही साथ इससे संबंधित जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको भी आराम से एकदम करें, ठीक है। तो बच्चों फलन होता क्या है? बच्चों जो रिलेशन होता है ना रिलेशन, उस रिलेशन में अगर कुछ शर्तें डाल दी जाएं तो वही फलन बन जाता है। जिस रिलेशन में कुछ विशेष शर्तें डाल दी जाएं तो वो आपका फलन बन जाता है। क्या क्या शर्तें डाली जाएंगी पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कोई एक अरिक्त समुच्चय ए हो, एक कोई अरिक्त समुच्चय बी हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध इस प्रकार से हो कि ए के सभी अवयव बी के समुच्चय बी के अवयवों से किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। एक बार फिर से समझें, एक कोई अरिक्त समुच्चय ए है, एक कोई अरिक्त समुच्चय बी है और समुच्चय ए के समुच्चय बी से कोई अगर इस प्रकार से रिलेशन है कि ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को हम फलन कहेंगे। देखिए हम यहां पर आपको इस प्रकार से लिख के बताएं कि जैसे आपके पास एक कोई समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए से बी में कोई संबंध इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। देखो एफ सच दैट ए से बी, फलन एफ ए से बी में है और ए के प्रत्येक अवयव, ये देखो जो ए लिखा हुआ ना, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी अवयव से अगर संबंधित है तो एक बात और साथ साथ में, ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए और साथ ही साथ एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ही वास्तव में यह संबंध फलन कहलाएगा। हम आपको इस प्रकार से बताएं, जैसे कोई संबंध इस प्रकार से लिखा है आर बराबर, तो यहां पर अगर आर बराबर ऐसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर संबंध कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यह संबंध वास्तव में फलन है या नहीं आपको यह समझना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो युग्म बना है, क्रमित युग्म बना है, उसका जो पहला घटक है वो पहला घटक, ये देखो हर एक का पहला घटक अलग अलग होना चाहिए, पहले घटक को समान नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने यहां देखा कि एक है तो यहां तीन के जगह अगर एक है तो समझो ये आपका कभी भी फलन नहीं होगा, ये कभी भी फलन नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, ये पहले पहले सारे अवयव अलग अलग होने चाहिए। सो यहां पर देखो दिखाई दे रहे हैं, देखो इस प्रकार से आप समझें, यहां पर एक डायग्राम पर से समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये इस तरीके से, अगर हम ये कहें कि ये एक कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय बी है, इसमें अवयव है आपके पास 1, 3, 5, 1, 3, 5 और इसके अवयव हैं 2, 4, 6। अब आप देख सकते हो यहां पर देखो एक का काय से संबंध है, दो का संबंध है, एक से दो का संबंध इस प्रकार से देखो लिखोगे। यहां देख सकते हो तीन का चार से संबंध है, आप तीन से चार को संबंधित करोगे तो इस प्रकार देखो लिखोगे। यहां आप देख सकते हो चार पांच का छह से संबंध है, आप यहां पांच से छह को संबंधित कर सकते हो। आपने ये देखा कि ए के सभी अवयवों के, ए के कितने अवयव हैं, ए के अवयव हैं 1, 3, 5, ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए और वो संबंध अद्वितीय होना चाहिए, मतलब एक का एक ही से संबंध होना चाहिए, केवल और केवल एक अवयव से संबंध होना चाहिए। जैसे एक अवयव का दो से ही तो संबंध है, एक का अगर चार से और संबंध हो जाए तो मानो ये आपका फिर फलन नहीं रहेगा। तो एक का देखो दो से संबंध है, तीन का भी केवल एक अवयव चार से संबंध है, यहां पांच का केवल एक अवयव छह से संबंध है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए के सभी अवयवों का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध है, कोई जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। ए के सभी अवयवों का बी में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है और सभी अवयवों का बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फलन कहलाएगा, ठीक, ये संबंध आपका फलन कहलाएगा। हमने आपको बताया कि शर्तें क्या क्या डाली जाए,
जब फलन बन जाता है, संबंध में क्या क्या शर्तें डाली जाएं कि वो फलन बन जाए। संबंध में केवल शर्त यही है कि ये आपका जो समुच्चय ए का के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, एक शर्त तो ये हो गई। और दूसरी बात, ए के सभी अवयव एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाना चाहिए, दो शर्तें केवल होनी चाहिए, अब यही संबंध आपका होता है वो फलन बन जाता है। ठीक, यहां पर देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हम ये माने, ये देखो इससे बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। देखो ये आपके पास एक कोई समुच्चय ए है, एक कोई समुच्चय बी है, ठीक है, और समुच्चय ए से समुच्चय बी में आपका कोई फलन, ये एफ लिख देते हैं, एफ, ठीक है। और यहां पर अगर हम इस प्रकार लिख दें कि एक दो तीन चार, और यहां लिख देते हैं पांच छ सात, यहां लिख दें, तो अगर यहां पर एक का संबंध, एक का प्रतिबिंब पांच के साथ है, दो का प्रतिबिंब छह के साथ बन रहा है, और तीन का प्रतिबिंब अगर सात के साथ है, और चार का प्रतिबिंब किसी से नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब भैया ये फलन नहीं है। ये क्या है? ये फलन नहीं है। हमने बताया सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए बी में, ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, तो यहां पर चार का कहीं भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है। ठीक, एक दूसरी और शर्त देखो, यहां पर आप समझ सकते हो कि ये आपका कोई ए है और ये आपका कोई बी है। देखो ध्यान दें, ये आपका कोई ए है, ये आपका कोई बी है। यहां पर अगर हम ये माने कि इसके अवयव हैं 1 2 3 4, चलो 1 2 3 लिख दिए, और यहां पर हम लिख देते हैं 1 2, चलिए यहां पर दूसरे कोई अवयव लिख लेते हैं ए बी सी, ये लिख लिए, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से, चलो एक और अवयव कोई मान लेते हैं, यहां पर डी मान लेते हैं, डी। अब यहां पर समझ लेते हैं, जैसे एक का ए से प्रतिबिंब है, एक का ही बी से प्रतिबिंब है, दो का सी से प्रतिबिंब है, तीन का डी से प्रतिबिंब है, तो ये भी आपका देखो फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि यहां पर एक का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, एक का ए से भी प्रतिबिंब बन रहा है और एक का बी से भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी फलन नहीं है। आपको लिखना है ये फलन नहीं है। एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, और साथ ही साथ बताया कि सभी ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये फलन कहलाएगा। क्लियर मेरे ख्याल से हो गई होगी, कोई समस्या वाली बात अब शायद नहीं होगी। बस आपको समझना है कि जो संबंध होता है वही वास्तव में फलन हो जाता है। इसमें केवल दो शर्तें आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्त है? ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए और वो प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ठीक है, एकदम इतनी बात तो मेरे ख्याल से क्लियर आपकी हो गई होगी। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3। यहां पर एक्सरसाइज 2.3 में एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है एक्सरसाइज 2.3 का, ये आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए लिखा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। पहले आपको यही छांटना है कि दिए गए जो संबंध हैं वो उनमें से कौन से फलन हैं। इसमें साथ साथ ये भी लिखा है कि कारण का भी आपको उल्लेख करिए, मतलब कारण भी बताना है कि क्यों फलन है, आखिर फलन है क्यों। साथ साथ में एक बात और पूछी गई है कि यदि ये संबंध फलन है तो उनका परिसर भी आपको निर्धारित करना है कि परिसर होता क्या है। ठीक है, चलिए हम यहां पर आपको समझाएं। ये आपका जो पहला प्रश्न लिखा है, उस पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, देखो r बराबर ये हमें दिया गया है 2.1 5.1 8.1 11.1 14.1 17.1, इस प्रकार से ये हमें संबंध दिया गया है और इस संबंध को हमें ये बताना है कि ये फलन है या नहीं। चलिए यहां पर आप समझ लेते हैं, यहां पर जो संबंध दिया गया है वो r से डिनोट हम कर दें। देखो संबंध ये आपका पहला प्रश्न है, यहां पर हमें संबंध r बराबर क्या क्या दिया गया है, देखो यहां लिख देते हैं 1, अब पूरा प्रश्न लिख लेते हैं, देखो 2.1 क्या लिखा है, 2.1 5.1, देखो ध्यान दें 2.1 है, 2.1 और फिर इसके बाद में लिखा है 5.1 और फिर इसके बाद में क्या है, देखो पूरे प्रश्न को पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद में
एट कोमा वन, इलेवन कोमा वन है ना, एट कोमा वन लिख दें यहां पर, एट कोमा वन, और फिर इसके बाद में है इलेवन कोमा, इलेवन कोमा वन, और फिर इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, इलेवन कोमा वन के बाद है फोर्टीन कोमा वन और सेवनटीन कोमा वन, ठीक है, फोर्टीन फोर्टीन कोमा वन और यहां पर है सेवनटीन कोमा वन, इस प्रकार से हमारा ये संबंध है। आपको ये बताना है कि ये संबंध फलन है या नहीं, और यदि ये फलन है तो क्यों है, तो को समझ लेते हैं। तो यहां पर जो क्रमित युग्म लिखे हैं उनके पहले घटक को आपको देखना है, ये जो क्रमित युग्म लिखे हैं इनके पहले घटक को देखो, ये पहले घटक जो लिखे हैं किसी भी क्रमित युग्म के पहले घटक का अवयव समान नहीं है। पहला घटक देखो इसका दो है, इसका पांच है, इसका आठ है, इसका ग्यारह है, इसका चौदह है और इसका सत्रह है, तो इसका मतलब अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से फलन है, क्योंकि पहले घटक यदि किसी दो क्रमिक युग्मों के समान है तो ये संबंध हो जाएगा, फलन कभी नहीं होगा। देखो एक डायग्राम से समझ लेते हैं, यहां पर आपको ये एक देखो यहां पर लिखा हुआ है दो, फिर पांच, और ये है आठ, ये है ग्यारह और चौदह है, फिर सत्रह, चौदह और सत्रह, ठीक है। यहां पर देखो दो का एक से संबंध है, देखो यहां पर दो का संबंध काहे से है, एक से संबंध है, तो आपको यहां पर समझना है, देखो यहां पर आप लिख सकते हो एक है ना, दो का संबंध काहे से है, दो का संबंध एक से है, फिर यहां देखो पांच का संबंध काहे से है, पांच का भी संबंध एक से है, पांच का भी संबंध एक से है, यहां आठ का संबंध काहे से है, आठ का संबंध भी एक से है, ग्यारह का संबंध भी एक से है, चौदह का संबंध भी एक से है और सत्रह का भी संबंध एक से ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए के सभी अवयवों का बी के अवयवों से किसी न किसी अवयव से संबंधित है, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब बन रहा है और अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये फलन है, ठीक। तो आपको रीजन लिखना है क्यों फलन है, हमने आपको बताया कि ए के सभी अवयवों का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये आपका फलन है, ठीक है। और एक रीजन हमने ऐसे बताया कि जो क्रमिक युग्म लिखे हैं क्रमिक युग्म का पहला घटक समान नहीं है, इसका मतलब ये आपका फलन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें एक बात और पूछी गई है, क्या पूछा गया है, इसमें आपको एक और पूछा गया है कि इसका आपको परिसर बताना है, क्या करना है, परिसर बताना है। तो याद रखिए परिसर जो होता है वो क्या होता है, देखो कहां प्रतिबिंब बन रहा है, एक, तो यहां पर परिसर बराबर आपको एक लिखना है, ठीक। बी के वे अवयव लिखने होते हैं जो ए से संबंधित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, तो यहां पर आपको एक परिसर में क्या लिखना है, एक लिखना है, ठीक, परिसर बराबर एक, यहां पर इस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछ रहा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की, इसी में देखो ये दूसरा पार्ट है, अभी तो इसी में दूसरा पार्ट भी है, तो यहां पर दूसरे पार्ट में देखो क्या कहा गया है, दो कोमा एक, चार कोमा दो, छह कोमा तीन, आठ कोमा चार, दस कोमा पांच, बारह कोमा छह और चौदह कोमा सात लिखा हुआ है। तो अब आपको यह समझना है, यहीं पर समझ लेते हैं, देखो ये वास्तव में संबंध फलन है या नहीं, ये जो संबंध लिखा है वो फलन है या नहीं, कैसे, देखो इस प्रकार से यहां पर प्रथम घटक, पहले क्रमिक युग्म का प्रथम घटक दो है, यहां चार है, यहां छह है, यहां आठ है, यहां दस है, यहां बारह है, यहां चौदह है, तो प्रथम घटक सबके अलग अलग, इसका मतलब निश्चित रूप हो गया, ये निश्चित हो गया कि ये आपका फलन है, ठीक है। ए के जो अवयव हैं उनका सभी का बी में प्रतिबिंब बन रहा है और अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये भी आपका फलन हो जाएगा पक्का, ठीक है, समझ सकते हो एकदम आसान से। और आपको ये भी याद रखना है कि जब परिसर आपसे पूछा जाए तो जो बाई मतलब दूसरा घटक होता है क्रमिक युग्म का दूसरा घटक होता है उन सभी अवयवों को लिखना है, बस वही आपका परिसर में आएगा। तो यहां पर परिसर कितना होगा, देखो यहां पर दो कोमा एक लिखा है तो ये एक भी परिसर में आएगा, यहां पर दो परिसर में आएगा, यहां पर तीन परिसर में आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा और सात आएगा, तो परिसर बराबर हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, इतनी क्लियर।
चलिए इसी प्रकार आप यहां तीसरे प्रश्न को भी समझते हैं। यहां तीसरा पार्ट जो लिखा है उसमें लिखा है 1.3, 1.5। देखो यहीं से बात बिगड़ गई, क्योंकि 1.3 से संबंधित है, 1.5 से भी संबंधित है। इसका मतलब 1 का 2 के साथ, 2 अवयवों से संबंधित है, ठीक। एक अद्वितीय प्रतिबिंब वहां नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो भैया फलन नहीं है, ये तीसरा वाला फलन नहीं है। क्या करना है? तीसरा वाला फलन नहीं है, क्योंकि 1 का 3 से संबंध है, 1 का 5 से भी संबंध है, ठीक है। इसलिए आपको लिखना है कि यहां पर 1 अवयव का 2 जगह प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आपको लिखना है कि ये फलन नहीं है, ठीक। क्लियर बात। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखो बहुत आराम से समझें। लिखा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर बताने। देखो क्या करना है, प्रांत बताना है, परिसर बताना है। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पहले भी जो आपने संबंध में पढ़े ना, बिल्कुल वही चीज यहां पर अब फलन में भी है, कुछ नया नहीं है। तो यहां पर देखो समझना है, जो fx लिखा है वो कितना है, मॉड माइनस में मॉड x लिखा है ना। fx बराबर, देखो यहां पर fx बराबर लिखा है माइनस मॉड x। चलिए यहां पर हम इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न है आपका fx बराबर माइनस fx बराबर माइनस मॉड x, ये आपका कोई फलन है और इसका हमें प्रांत और परिसर बताना है। देखिए बहुत ध्यान से समझें, आपको देखो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि यहां पर जो fx का मान है वो मॉड x है और वो भी माइनस में है, इसमें है माइनस में। तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि कोई फलन अगर माइनस में है तो निश्चित रूप से वो शून्य से छोटा होगा। क्या होगा? शून्य से छोटा होगा, मतलब fx लेस देन 0 होगा। तो यहां से हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, अगर fx इज लेस देन 0 यहां पर हम कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मतलब सीधा सीधा ये कि x के सभी रियल नंबरों के लिए ये fx का मान क्या होगा, शून्य से छोटा, तभी आपका मॉड x का मान माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें आपसे पूछा गया है प्रांत बताइए, क्या कहा गया है, प्रांत बताइए। तो आपको लिखना है प्रांत बराबर, क्या लिखना है, प्रांत बराबर हम वो, प्रांत का मतलब होता है x के वो मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो, है ना। तो आप यहां लिख दें x के वे सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो, जिसके लिए फलन परिभाषित है, जिसके लिए फलन परिभाषित है वे सभी मान क्या कहेंगे, वे सभी मान प्रांत में आएंगे। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो, क्या आर लिख दें, आर ही तो इसमें आएंगे परिभाषित होने के लिए, fx को परिभाषित होने के लिए सभी आर के मान, मतलब सभी आर को आपको लिखना है। इसका मतलब जो प्रांत होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परिसर की, परिसर, तो परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब होता है fx के वे सभी मान, fx के मान सभी मान, fx के सभी मान आपको यहां लिखना है फलन के, fx मानी फलन, फलन के सभी मानों का समुच्चय, fx के सभी मानों का समुच्चय। अब आप यहां समझ सकते हो कि fx के जो मान होंगे वो कैसे होंगे, fx के मान होंगे क्योंकि fx काय में है, माइनस मॉड x है, मतलब आपके रियल नंबर तो हैं लेकिन वो काय में है माइनस वाले, और इसके साथ साथ में कभी ये भी हो सकता है कि इसमें 0 भी हो, ये 0 भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो r माइनस और यूनियन का निशान लगा के 0 भी उसमें सबमिट कर लें, ठीक, इंक्लूड उसी में कर लें। तो इस प्रकार से जो आपका परिसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, r माइनस यूनियन 0, ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ये आपका परिसर हो जाएगा इस तरीके, इतनी ठीक है। इसके बाद देखो अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल क्या कहता है, यहां पर एक दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसको भी समझें। fx बराबर लिखा है अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर, वर्गमूल फलन है ये,
वर्गमूल फलन है, तो यहां पर लिखा है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9x2। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं। यह है आपके पास दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है। इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस x2। ठीक है, इसका भी हमें प्रांत बताना है और परिसर बताना है। तो प्रांत के लिए क्या कर दें, देखो ध्यान दें, प्रांत सबसे पहले आप समझेंगे प्रांत की बात समझेंगे। तो प्रांत के लिए देखो ध्यान दें, अगर ये फलन आपका परिभाषित होगा तो निश्चित रूप से एफ एक्स का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए। एफ एक्स का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं होगा तो उसका वर्गमूल नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 9 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं 9 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, यहां पर लिख सकते हैं कि अगर ये यहां पर साइन बदल दें तो इसका निशान बदल जाएगा, मनी ऐसे हो जाएगा x2 - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 9 - x2 था, इसको हमने माइनस करके यहां पर जो ग्रेटर देन का निशान था वो स्मॉल में आ गया, तो लेसर देन 0 हो गया, ये 9 x2 - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि x + 3 × x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके हमने गुणनखंड कर दिए। तो यहां पर हम x की दो वैल्यू जो निकली वो कहां से कहां तक जाएंगी, आप लिख सकते हो कि जो -3 - 3 यहां से x बराबर -3 आएगा, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। इस प्रकार से देखो यहां पर जो r का मान है वो -3 से ले आगे जाएगा और 3 तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रांत होगा, भाई प्रांत होता क्या है, x के मान ही तो प्रांत होते हैं, तो प्रांत जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, -3 से 3 तक। ये हो गया प्रांत। ठीक है, अब इसके परिसर की बात करते हैं, तो जो y का मान निकलेगा वो परिसर हो जाएगा। चलिए यहां पर समझ लेते हैं, देखो सबसे पहले प्रांत के बाद बात करते हैं परिसर की। चलो इसको थोड़ा आगे हम इसको ले जाएं, देखो बात करते हैं परिसर की। परिसर के लिए देखो क्या करते हैं, अगर हम इसको एफ एक्स को बाई मान लें, एफ एक्स बराबर क्या मान लें, बाई मान लें, तो अगर एफ एक्स बराबर बाई मान लें तो हमें बाई का मान कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 9 - x2। इस प्रकार से इसका अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें मिल जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 9 - x2। इस प्रकार से मिलेगा, या इसको हम ऐसे हल कर लें, देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 9 - y2। ठीक है, यहां पर इस पर हम एक इक्वेशन का नंबर कुछ डाल देते हैं, यहां पर एक पहला इक्वेशन डाल। ठीक, अब आप समझो बहुत ध्यान से, यहां पर अगर ये x2 = 9 - y2 लिखा है ना, इसमें देखो ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा इसको देखो नीचे ले आके हम आपको यहां बता दें, ये लिखा हुआ है देखो x2 - 9 < 0, ये लिखा है ना, इस पर हमने एक नंबर डाल दिया। यहां पर x2 - 9 < 0 है, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस वाली को रख दें, देखो कौन सी वैल्यू रख दें, ये वाली, तो यहां पर हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। देखो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का मान कितना, 9 - y2 और माइनस का 9 < 0। कहां पे हमने क्या किया, समीकरण एक में देखो यहां लिख दें, समीकरण एक में एक्स स्क्वायर का मान लिखा है, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक, यहां पर हमने मान लिख दिया, तो यहां पर हमें देखो ये 9 से 9 हमारा कैंसिल हो रहा है और ये हमें मिल जाएगा 22 - y2 < 0। तो यहां पर अगर हम माइनस खत्म करें तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 22 > 0। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसका वर्गमूल लें तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि बाई का मान क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ की ओर हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि -∞ > y < +∞। ठीक, तो जो y का मान होगा वो -∞ से +∞ की ओर हो जाएगा।
वहां ऊपर लौट के आते हैं। यहां पर आप समझ सकते हो चूंकि क्योंकि ये वर्गमूल फलन है इसलिए नेगेटिव मान हो नहीं सकता, तो यहां पर माइनस अनंत नहीं होगा, प्लस अनंत की ओर ही जाएगा सीधा सीधा। तो यहां पर समीकरण नंबर दूसरे से हम समझ लेते हैं, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर नौ माइनस बाई स्क्वायर। समीकरण नंबर दूसरे में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर नौ माइनस बाई स्क्वायर। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान कभी भी शून्य से छोटा नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का मान कभी भी शून्य से छोटा नहीं हो सकता है, मानी एक्स स्क्वायर हमेशा शून्य से बड़ा होगा या शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं वो हमेशा शून्य से ही बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अब अगर एक्स स्क्वायर का मान यहां पर शून्य के बराबर लिख दें तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो नौ माइनस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या करेंगे, 9 माइनस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे लिख दें बाई स्क्वायर माइनस नौ इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नौ, अर्थात बाई इज लेस देन इक्वल टू, वास्तव में ये प्लस माइनस तीन आएगा, लेकिन आपको प्लस में ही लिखना है माइनस में नहीं लिखना है, क्योंकि बाई का मान ऋणात्मक अगर होगा तो फलन हमारा परिभाषित नहीं हो गया, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट वाली संख्या ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए हम ऋण वाली वैल्यू छोड़ देंगे, ऋण तीन छोड़ देंगे, तो बाई का मान कितना निकलेगा, तीन या तीन से छोटा। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो बाई का मान है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर बराबर हमारा कितना मिलेगा, परिसर बराबर हमें मिल जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा जीरो से तीन, ठीक, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा मान हो सकता है तीन तक, लेकिन जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बाई का मान नेगेटिव होगा तो फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा, मतलब वर्गमूल वाले फलन माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि देखो ऐसे ही समझ लें कि यहां पर अगर हम बाई का मान ये वाला जो लिख रहा है बाई का मान अगर ऋण में रख देंगे तो अंडर रूट नौ माइनस एक्स स्क्वायर कभी परिभाषित नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए हम कहां से कहां तक रखेंगे, जीरो से तीन तक रखेंगे है ना, तो इसका जो परिसर है वो जीरो से तीन, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर आते, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीन, कह रहा है कि फलन कोई एफ एक्स बराबर लिखा है 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान बताइए। देखो एकदम आसान प्रश्न है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 लिखा है, क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर, इसको पहले रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है तीन, क्वेश्चन नंबर है तीन और लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर कितना है, देखो एक बार देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर है 2x माइनस 5, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 है, और इसमें देखो काय काय की वैल्यू पूछी गई है, सबसे पहले पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है f1 का मान बताना है, सॉरी f0 का मान बताना है, कितना बताना है, f0 का मान, तो आपको क्या करना है, x बराबर 0 रखना है, x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो हमें f0 का मान मिल जाएगा, f0 बराबर हो जाएगा 2 गुणा x का मान, 0 लिख दें माइनस 5 लिख दें तो ये तो 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस 5 आंसर आएगा, f0 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5, सीधा सीधा है, जो भी x की वैल्यू है वो उसमें रखनी है फलन में। तो यहां पर देखो दूसरे प्रश्न में भी यही काम करना है, फलन में क्या करना है, x का मान 7 रखना है तो f7 की मान आ जाएगा, और फलन में अगर x का मान माइनस 3 लिख दें तो f -3 का मान आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, इसको आप बहुत आसान से कर सकते हो। हालांकि प्रश्न संख्या 4 भी ऐसा ही है, देखो चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, लिखा है फलन t सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रचित्रित करता है जो TC बराबर 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है, ये तो आपको फॉर्मूला है पता ही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, निम्नलिखित को ज्ञात करिए, तो क्या हमें ज्ञात करना है, T0 का मान ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा है C बराबर 0 इसमें रख दें, T0 का मान मिल जाएगा, कितना लिखा है, देखो एक बार एक करके दिखा देते हैं, TC = 9C/5 + 32, देखो इसको पहले रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, ये लिखा हुआ है TC बराबर देखो क्या लिखा हुआ है, TC = 9C/5 + 32, 9C
नौ सी बटे पांच और प्लस में 32, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, सेल्सियस तापमान से फारेनहाइट तापमान में बदलने का फॉर्मूला है। इसमें आपको सी बराबर जीरो लिखना है, तो आपको सी बराबर जीरो रखने पर टी जीरो का मान मिल जाएगा। सी का मान देखो जीरो लिख दें, टी जीरो बराबर नौ इंटू सी का मान जीरो लिख दें, बटे में पांच लिख दें, प्लस यहां 32 लिख दें, तो जब जीरो का इसमें मल्टीपल होगा पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपको आंसर में 32 मिल जाएगा। टी जीरो बराबर कितना मिलेगा? 32। बस एकदम आसान आसान सारे प्रश्न है। इसमें क्या करना है, यहां पर देखो सी की जो वैल्यू है उसको 28 लिखना है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टी 28 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टी 28 का मतलब सीधा सीधा सी का मान आपको 28 लिखना है, तो टी 28 की वैल्यू मिल जाएगी। और टी का मान अगर सॉरी सी का मान अगर माइनस 10 लिख दें तो टी माइनस 10 का मान मिल जाएगा। और यहां पर एक बात और पूछी गई है कि सी का मान बताइए यदि टी सी बराबर 212 हो, तो टी सी का मान 212 लिख दें, फिर कैलकुलेट कर लें, सी का मान निकल आएगा। सीधे सीधे ये तो सवाल है भाई, एकदम आसान सवाल सारे। इसके बाद देखो आपके पास अब एक प्रश्न और बचता है। देखो तो पांचवा प्रश्न क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परसर बताइए। परसर का मतलब आप समझते हैं, बाई का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब एफ एक्स के मान हमें ज्ञात करना है। अगर एफ एक्स बराबर बाई मान लें तो समझो बाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहां पर देखो ये पहला प्रश्न है, यहां दिया गया है एफ एक्स बराबर 2 - 3x। क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर 2 - 3x। क्वेश्चन नंबर है पांचवा और हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर 2 - 3x, एफ एक्स बराबर 2 - 3x। ठीक है, ये आपका, और x बिलोंग टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना हमें प्रश्न में दिया गया और इसका परिसर हमें ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, होता है परिसर के लिए हम क्या करते हैं, हम फलन को y के बराबर लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर y, तो ये हमारा फलन इस प्रकार से बदल जाएगा कि y बराबर 2 - 3x इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको और आगे हल करें तो इस प्रकार कर सकते हैं 3x बराबर 2 - y। अब यहां से अगर x का मान कैलकुलेट करें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2 - y अपॉन में 3 मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पर हमें दिया गया है, क्योंकि हमें दिया गया है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो यहां पर अगर x का मान 0 से बड़ा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 - y बटे में 3 बड़ा हो जाएगा 0 से। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 - y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां से आप समझ सकते हो कि अगर इस प्रकार लिखना चाहें कि y माइनस 2 तो ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज लेस देन 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका मतलब बाई का मान हमारा माइनस अनंत से 2 तक जाएगा, तो मतलब हम लिख सकते हैं माइनस अनंत इज लेस देन बाई इज लेस देन 2। मतलब सीधा सीधा इसका परिसर बराबर आपको लिखना है, परिसर बराबर कितना लिखना है, माइनस अनंत कॉमा 2, इस प्रकार से माइनस अनंत से लेकर 2 तक। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल इसमें यहां रखना है, मतलब सीधा सीधा ये है कि माइनस अनंत से लेकर के आगे 2 तक पहुंचना है, ये आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बस इसी के आगे देखो ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। आपको अब देखना है इसमें एक और, तो चलो देख लेते हैं यहां पर दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स एक वास्तविक संख्या है ना, तो आपको लिखना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, पांचवे का सेकंड पार्ट है। लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या है देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स एक वास्तविक संख्या है, क्या है, एक्स जो है वो क्या है, रियल है ना, एक्स रियल। चलिए यहां पर समझ लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां भी एफ एक्स को हम बाई के बराबर लिख दें। क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर बाई, तो अब एफ एक्स बराबर बाई अगर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, या इसको पक्षांतर करके ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर
बराबर y माइनस दो। ठीक, अब बहुत आराम से आप समझ सकते हो कि x का मान जो है वो क्या है, रियल नंबर है, है ना। तो x स्क्वायर होगा वो हमेशा शून्य से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x का मान अगर कोई रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहां पर कि y माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे लिख दें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब आप समझ सकते हो कि y का मान दो से अनंत, दो से कहां तक, अनंत तक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दो इज लेस देन इक्वल टू, y इज लेस देन इक्वल टू अनंत। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर हम परिसर इसका लिखेंगे, परिसर बराबर क्या लिखेंगे, इसका जो परिसर है वो लिखेंगे, यहां लिख दें परिसर बराबर, परिसर बराबर यहां लिख दें दो से दो कॉमा अनंत। ठीक, इस प्रकार क्लोज इंटरवल में लिखना है, देखो दो भी सबमिट करना है और अनंत तक जाना है, तो रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, दो से अनंत। ठीक, इस प्रकार। और इसी के बाद जो अगला प्रश्न लिखा है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स, और एक एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना। तो अगर हम एफ एक्स को y मान लें तो y बराबर x हो जाएगा, और x जो है वो रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, सीधी सीधी बात है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होते ही आप ये कह सकते हो कि एक्सरसाइज पूरी आपकी फिनिश हो गई है ना, एकदम खत्म हो गई। बहुत आराम से आपने पढ़ी होगी, अच्छे से समझ में भी आई होगी, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर भैया नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।